श्रीपाद कह रहे हैं नाना प्रकार से दुष्ट आचरण जो निष्ठा पूर्वक करता रहा, जिसका हृदय ऊसर भूमि जैसा है, वृंदा विपिन अचिंत्यम प्रभाव, सुनो मेरे वृंदावन का अचिंत प्रभाव, ऐसे के भी हृदय में मुन्मादयेत प्रेमना, प्रेमोन्माद पैदा कर देगा। ये बात धाम की कृपा, अद्भुत धाम की कृपा। हिया फिरे स्वारथा अपने, भजन गहे फिरे बाह, और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हुए जात। यहां स्वार्थ के लिए जा रहे हो वृंदावन में, वो भजन माना जाएगा। दोषा करो हम गुण ले सही नहा, सर्वाधमो दुर्लभ वस्तु कांक्षी, वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सार, बीजम कदा प्राप्य भवामि पूर्णः। मैं निखिल दोषों की खान हूं, मेरे में लेश मात्र गुण नहीं है, जितनी अधमता है वो सब हम में, इसलिए मैं सर्वाधम हूं। पर मेरे हृदय में वृंदावन वास से एक आकांक्षा जो बड़ी दुर्लभ है वो जागृत हो चुकी है, प्रिया प्रीतम की उज्ज्वल प्रेम रसमयी दासता। मैं कब अपने लाडली लाल का अपने हाथ से श्रृंगार करूं, कब भोग लगाऊं, कब उनकी प्रतिपल परिचर्या करूं, ये सौभाग्य। मुझे विश्वास है कि श्रीधाम की रज मेरी इस कामना को पूर्ण कर देगी। वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सार, बीज कदा प्राप्य भवामि पूर्णः। ये जो मेरे हृदय में कामना जागृत हुई है, अहो भाग्य, धन्य भाग्य उस हृदय का जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम की सेवा की कामना जागृत हो गई है। ये धाम की कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से सेवा भाव जागृत होता नहीं, और सब, लेकिन सेवा भाव नहीं जागृत होता। खूब ज्ञान, ज्ञान की नगरी से ही आए, खूब ज्ञान बातचीत बहुत, ये जो प्रिया प्रीतम के श्रेयंग की सेवा की भावना है ये बड़ी दुर्लभ है। यदि आपको थोड़ी भी सेवा मिल चुकी है तो उसको गंवाना नहीं, यही क्रम क्रम करके आपको पहुंचा देगी। लालजू महाराज कहते हैं कि बहुत जुगों से मैं साधना कर रहा हूं प्यारी जो आपकी सेवा के लिए, क्रम क्रम करी लाधे, आज मुझे मिला है आपकी सेवा का अवसर। बिहारी जी महाराज कहे, मान जाओ तो जान जाओगे, जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे। ये जो प्रिया प्रीतम की वृंदावन में सेवा है, जो आप जुगल सरकार विराजमान करके या राधा नाम विराजमान, ये साक्षात सेवा है, यही आपकी दिव्य सेवा में प्रवेश वृत्ति हो जाएगी, करा देगी। जो आप प्रगट सेवा कर रहे हैं यही आपको दिव्य सेवा में प्रवेश, चिदानंद सेवा में प्रवेश करा देगी। भाव इसका, दोषा करो हम, चाहे जितने दोष हो, हारना नहीं, हम आपको हृदय की बात कहते हैं। ऐसा कोई ना समझे कि चार दिन की साधना से दोष सब नष्ट हो जाते हैं और वो महात्मा हो जाता है, भ्रम में मत रहना। जिसके तुम हो उसी की माया है, बहुत ऊंचाई तक इसका प्रवेश है, जहां गर्व करोगे वहीं तुम्हें माया अपना प्रभाव दिखा देगी। यहां से जो निकल पाया है वो बहुत दैन्य होके निकल पाया है, दैन्य के लिए माया मां हो जाती है, थोड़ा भी अहम वो माया के द्वारा जरूर बाधित होगा, बाधा उसके जीवन में पहुंच जाएगी। अहम बहुत कड़ुआ है, इसी से सब जीवित हैं, इसी अहम से, इसी अहम में सब सुखी अपने को मान रहे हैं, गर्व। यही अहम जब
प्रभु के चरणों में लगेगा तब सुख का परिचय मिलेगा, इसीलिए सुख का परिचय नहीं मिलता। गले कहें वो ज्ञान की बात कर रहे थे कि जब सब ब्रह्म ही है ये बात सत्य है, तो फिर वो बहुत संतों की अवहेलना निंदा कर रहे थे सब शब्द। तभी लग रहा था कि इसकी दुर्गति पक्की है, ये कौन से ज्ञान के भ्रम में भटक रहा है। कभी कभी अज्ञान को हम ज्ञान समझ लेते हैं, जैसे स्वप्न में देखा कि हम सो रहे थे और अब जग गए हैं, वो स्वप्न ही में देख रहा है और अब मैं अमुक चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन वो स्वप्न में ही देख रहा है, वो अभी जगा नहीं, और जब जगेगा तब उसे समझ में आएगा कि वो भी स्वप्न था। ऐसे ही अज्ञान है, किसी की भी निंदा आदि का दोष अंदर होना अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान में जब सर्वत्र ब्रह्म है तो निंदा स्तुति का कोई, और वही ब्रह्म मैं हूं तो निंदा स्तुति का कोई स्थान ही नहीं। बिना गुरु कृपा के वेदांत पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये महान वेदांती महापुरुष हैं जिनके वचन सुन रहे हो, कह रहे हैं यदि आप दोषा करो, वो तो हम कह रहे हैं मैं महापुरुष अपने को लेके बात करते हैं, तो भी आप चिंता मत करना। यदि गुण लेश ही ना, लेश मात्र भी गुण नहीं है तुम में, तो चिंता मत करो। सर्वाधमो, यदि सब अधमों में भी आप बड़े अधम हैं, तो भी आप चिंता मत करो। दुर्लभ वस्तु कांक्षी, तुम्हारे हृदय में दुर्लभ प्रेम रस की आकांक्षा पैदा कर देगा वृंदाटवी मुज्ज्वल भक्ति सारो, श्रीधाम वृंदावन आओ, वृंदावन का सेवन करो, तो उज्ज्वल प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भवामि पूर्णहा, आप पूर्ण पुरुष हो जाएंगे, आप पूर्ण हो जाएंगे, आप तृप्त हो जाएंगे, जन्म जन्म की प्यास आपकी मिट जाएगी। जब भगवान सर्वत्र हैं तो हमको क्यों दर्शन नहीं देते। बहुत मंगलमयी ऐसी वृत्ति आ जाए जिसके अंदर कि जब हैं, कहा जा रहा है, रोज सुना जा रहा है, वासुदेवा सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब रूप में है, श्री कृष्ण सब रूप में विराजमान है, तो मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते। है तो सर्वत्र, बहुत सुंदर बात है अगर आप इसे समझ लें, ध्यान से सुनना। भगवान ने जो ये श्लोक कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वशा। भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं संसार में साक्षात विराजमान हूं, माया से ढका हुआ नहीं, साक्षात जीव कहते हुए सब भगवान बने हुए हैं। जैसे कुम्हार निर्माण करता है पात्रों का, तो कुम्हार अलग, चाक अलग, पात्र जिससे बने वो धातु अलग, लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां बनाने वाले भगवान, बनने वाले भगवान और मिटने वाले भी भगवान, वो अपने आप से अपने आप में लीन हो जाते हैं, अपने आप से अपने आप का विस्तार कर देते हैं। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे जब साक्षात भगवान है। बहुत सुंदर है, अगर समझ जाओगे तो अभी आनंद आ जाएगा। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तो कह रहे भगवान के रूप में तुम देखना कहां चाहते हो। अपने को शरीर मान करके अपने लिए जो जो चाहिए वो देख रहे, तो भगवान उसी रूप में आपके पास है। आपने भगवान को भगवान के रूप में कब देखना चाहा, ये प्रश्न अपने अंदर, फिर उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, इसीलिए नहीं दिखाई देते। सर्वत्र भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। बोले सब कुछ स्वयं भगवान बने हैं, पर हमने अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, शरीर मानकर, अपने लिए जो प्रिय है, भोग प्रिय है, वस्तु प्रिय है, पद प्रिय है, सामान जो जो, तो मेरे भगवान वही वही आपके सामने रूप रख के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं,
मुझे घड़ी की आवश्यकता है, तो ये घड़ी साक्षात श्री कृष्ण है, न ये पहले थी न बाद में रहेगी, वर्तमान में वही है जो पहले थे और बाद में रहेंगे, बीच में भी वही है।